गब्बर और मिक्की की ये कहानी है। दोनों नर्मदा नदी के किनारे पर फैले हुए विशाल ऋषिवन में रहते हैं। दोनों के बीच में बहुत ही गहरी दोस्ती है, जिसका पता पूरे वन को है। तो चलिए आपको मिलवाती हूँ इन दोनों से। ये है गब्बर, वन का सबसे ताकतवर शेर, और ये है गब्बर का जिगरी दोस्त मिकी। इन दोनों की दोस्ती की शुरुआत की कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। चलिए आपको सुनाते हैं गब्बर और मिकी की ये कहानी। कुछ सालों पहले की ये बात है। एक शिकारी की टोली उस वन में शिकार करने आई थी। भाई आज तो खाली हाथ जाने का कोई इरादा नहीं है। हाँ भाई सही बात है, बड़ा शिकार मतलब बड़ा पैसा। चलो बातें बंद करो और काम शुरू करो। जी उस्ताद। शिकारियों ने मिलकर अलग अलग पेड़ों के बीच में जाले लगा दिए और अब वो लोग दूसरे जाल लगाने के लिए वन में आगे निकल गए। आज तो काम तमाम है तुम्हारा जंगली जानवरों, क्योंकि आज वन में पकिया भाई की टोली जो आई है। आवाज बंद कर लंबो, काम पर ध्यान दे। वैसे बात तो सही कही है तूने। चलो अब नदी के पास जाल लगाते हैं। गब्बर उसके माता पिता के साथ चलकर आ रहा है। ये है गब्बर और उसके माता पिता हैं शेरा और मिनी। गब्बर अभी बहुत छोटा है, इसीलिए वो अपने माता पिता के साथ ही रहता है। चलते चलते गब्बर को ठोकर लग जाती है। बेटा धीरे और देख कर चलो, एक काबिल शेर वही है जो हमेशा चौकन्ना रहे। जी पिताजी। ये वन चारों तरफ से शिकारियों से घिरा हुआ है। यहाँ कदम कदम पर खतरा है, तो हमेशा सावधान रहना जरूरी है। आगे बढ़ते ही गब्बर और उसके माता पिता का पांव शिकारियों के लगाए हुए जाल में फंस जाता है और वो तीनों जाल में फंसकर लटक जाते हैं। अरे ओ शिकारियों छोड़ दो मुझे, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। बचाओ 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 मुझे। बेटा गब्बर हिम्मत रखो, मैं तुम्हें अभी बाहर निकालती हूँ। मिकी अपने बिल में से बाहर आकर बैठा है। ये मिकी है। गब्बर को चिल्लाता हुआ देखकर उसका मन तो कर रहा है कि उसकी मदद करे, पर उसे डर भी लग रहा है। बेचारा ये तो गया काम से, बचाना तो चाहता हूँ पर इसकी मदद कैसे करूँ, कुछ तरकीब तो निकालनी पड़ेगी। मिकी गब्बर जो जाल में फंसा था उस पर चढ़ते हुए। ये क्या कर रहे हो तुम? मदद और क्या, बचना नहीं चाहते हो क्या, या तुम भी शिकारी के गाड़ी में बैठकर सर्कस के पिंजरे में जाना चाहते हो? नहीं नहीं भाई, मुझे नहीं जाना है सर्कस के पिंजरे में, मुझे बाहर निकालो, मुझे तो यहीं पर रहना है। गब्बर की और उसके परिवार की आवाज सुनकर शिकारियों को पता चल गया कि उनके बिछाए जाल में शेर फंस गए हैं। चलो भाइयों आज की पार्टी के लिए तैयार हो जाओ। हाँ भाई, आवाज से तो लगता है कि कम से कम 3-4 जानवर तो पकड़े ही गए होंगे। शिकारियों की टोली अपने जाल में फंसे जानवरों को लेने के लिए निकल पड़ी और इस तरफ मिकी ने गब्बर का जाल अपने नुकीले दांतों से काटना शुरू कर दिया। फंसे हुए शेरों को देखकर, अरे वाह उस्ताद, एक नहीं दो नहीं पूरे 3 शेर। भाई ये तो पूरी फैमिली लग रही है। आलम्बू भाई वो देखो, वो चूहा जाल काट रहा है। अरे जाके भगा उसको और पकड़ उस पिल्ले को, बच के जाने ना पाए। कल्लू शिकारी मिकी को वहाँ से हटा पाता, उतने में गब्बर का पूरा जाल कट चुका था और गब्बर और मिकी वहाँ से भाग निकले। वो दोनों भाग कर एक गुफा में जाकर छुप गए और यहाँ शिकारियों ने शेरा
और मिनी को बेहोश करके गाड़ी में डाल दिया और शहर की तरफ निकल पड़े। मदद के लिए शुक्रिया दोस्त, तुमने मेरी जान बचाई है। हाँ दोस्त, तुम्हारी जान तो बचा ली पर शेरा और तुम्हारी माँ को नहीं बचा पाया। मुझे माफ करना दोस्त। हाँ माँ बाबा की बहुत याद आ रही है, अब मेरा क्या होगा? मैं ये वन में किसी को नहीं जानता, मैं कहाँ रहूंगा, किसके साथ रहूंगा, पता नहीं। अरे भाई इतनी क्यों चिंता करते हो, मैं हूँ ना, मुझे इस वन का कोना कोना पता है। और रही बात रहने की, तो ये गुफा भी कोई बुरी जगह नहीं है। हम दोनों दोस्त आज से यहीं रहेंगे, अकेले हैं तो क्या गम है। हाँ 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 तुम बड़े कमाल के हो मिकी, लेकिन तुम देखना इन शिकारियों को मैं नहीं छोड़ूंगा। हाँ भाई मत छोड़ना, लेकिन उसके पहले पकड़ तो लो फिर मत छोड़ना। आज न छोड़ेंगे तुझे दम दम दम। तो ये थी गब्बर और मिकी के दोस्ती की शुरुआत। अब दोनों को साथ में रहते हुए काफी साल हो गए और अब गब्बर बड़ा हो गया है। डर डर कर रहने वाले गब्बर से तो पूरा वन डरता है और मिकी इस बात का पूरा फायदा उठाता है। और इस वजह से मिकी और गब्बर की दोस्ती से वन में कई जानवर जलते हैं। ये मिकी का कुछ करना पड़ेगा माया। हाँ बिल्कुल सही कहा तुमने भूरी, गब्बर की वजह से ये बहुत हवा में उड़ रहा है, कहीं अकेले में मिला तो बताऊं इसे। हाँ सही बात है, अब गब्बर और इसकी दोस्ती मैं तोड़ूंगी इनकी दोस्ती। मजा आ जाएगा। अब भूरी लोमड़ी दोनों की दोस्ती तोड़ने की साजिश करने लगी। एक दिन जब गब्बर ने मिकी को खाना खाने के लिए आवाज लगाई, मिकी आ जाओ खाना खा लो दोस्त। भूरी लोमड़ी छुपकर मिकी की आवाज में, मुझे नहीं खाना है, तू अकेला खा ले। ये सुनकर गब्बर को बहुत बुरा लगा और वो उदास हो गया। मिकी ने पहले मुझसे कभी ऐसे बात नहीं की है, लगता है वो मुझसे नाराज है। अगले दिन मिकी को खाने के लिए एक पैकेट मिला। अरे वाह आज तो दावत हो गई है, मजा आ जाएगा, गब्बर को भी बुला लेता हूँ। गब्बर, ओ गब्बर भाई चलो आ जाओ खाना खाने, बहुत लजीज खाना मिला है। भूरी लोमड़ी आज भी छुपकर बैठी है और उसने आज ठीक कल की तरह आवाज बदलकर गब्बर की आवाज में बात की। मुझे नहीं खाना बे, तू खा ले पागल मिकी। ये आवाज तो गब्बर की है, मगर वो मुझसे ऐसे बात नहीं कर सकता, मैं अभी उसके पास जाकर पूछता हूँ। मिकी गब्बर के पास गुफा में जाकर बोलता है, क्या भाई किस बात का गुस्सा है तुम्हें, किस बात की नाराजगी है? क्या क्या बोल रहे हो भाई? बोलो क्यों गुस्सा किया मुझ पर, मैंने तो सिर्फ तुम्हें खाने की दावत दी थी और तुम उसमें भी नाराज हो गए। अच्छा तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे मतलब। दोनों जब पूरी बात एक दूसरे को बताते हैं तब मिकी और गब्बर को सब समझ में आ जाता है कि कोई और है जो इन दोनों की दोस्ती का दुश्मन बन बैठा है। दोनों मिलकर इस बारे में बात कर ही रहे थे कि अचानक उन्हें किसी के चलने की आवाज़ सुनाई देती है। मिकी सुना तुमने, कोई तो है जो हमारी बातें सुन रहा है, चलो आओ इसे पकड़ के मजा चखाते हैं। दोनों ने भूरी को भागकर झाड़ियों के पीछे जाकर छुपते हुए देखा। अरे ये तो भूरी लोमड़ी है। भूरी मौसी आप? बोलो गब्बर भाई, भूरी को मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए? मार दिया जाए। भूरी अब सामने आने का वक्त आ गया है, बाहर आ जाओ वरना मैं जो झाड़ियों में आ गया तो हड्डियां और गोश्त अलग होने में वक्त नहीं लगेगा। माफ करना भाई, मैं तो आपके साथ सिर्फ मजाक कर रही थी, माफ कर दो, माफी। गब्बर भाई आपकी बाल जाने दो, मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूंगी। ठीक है आज के बाद हमारे आसपास दिखी तो याद रखना जान ले लूंगा।
आसपास तो क्या, मैं तो इस वन में भी नहीं दिखूंगी महाराज, बस अभी के लिए छोड़ दो। ठीक है। शुक्रिया। क्या भाई, क्यों जाने दिया लोमड़ी को? मारते नहीं तो कम से कम इस घर की साफ सफाई तो करवा लेते। अब गब्बर और मिकी के बीच सब कुछ ठीक है। दोनों वन के बाकी जानवरों के साथ मिलकर रहते हैं और अपनी इस पक्की दोस्ती के मजे उठाते हैं। तो कैसी लगी ये पक्की दोस्ती की कहानी, हमें जरूर बताइएगा। और गब्बर और मिकी के लिए लाइक करना ना भूलें। और ऐसी और मजेदार कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। धन्यवाद।